और पहला सवाल है कि 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी सौंपी गई थी कोलंबिया को। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 5 जून को। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। इस बार जो है 2020 की थीम थी। अगला है कि 4 जून 2020 को वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, यानी कि इसकी मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? वही बात है, तो ब्रिटेन को सौंपी गई थी। और नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2020 को किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? तो इसकी अध्यक्षता किया था सऊदी अरब ने। 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ? तो पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में आयोजित हुआ था। और सिक्किम एक और पहल के लिए मशहूर है, पूरे विश्व में जो है वो ऑर्गेनिक खेती के लिए मशहूर है। ऑर्गेनिक खेती जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर एक पोजीशन से है सिक्किम की, इसको भी ध्यान रखिएगा। और अगला है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट है कि 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। और नेक्स्ट है कि 22 से 23 फरवरी 2020 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच, जिसका नाम बायो एशिया शिखर सम्मेलन है, हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो देखिए, किसी भी सम्मेलन की जो थीम होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी भी थीम देख लेते हैं। क्या है इसकी थीम थी? कल के लिए आज। और देखिए, यहाँ से कई जो है उप सवाल बन रहे हैं प्रश्न से, कई और सवाल बन रहे हैं, जैसे हाल ही ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य आयोजित मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच जो तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ, वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बायो एशिया शिखर सम्मेलन। या इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हैदराबाद में संपन्न हुआ है। दूसरी बात यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी? तो थीम तो जो कि सवाल का मेन जो है प्रश्न ही है, तो थीम थी कल के लिए आज। अगला है कि 19 से 20 फरवरी 2020 के मध्य सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, यहाँ पर भी जो है मुख्य विषय पूछा जा रहा है, तो इसकी मुख्य विषय थी, थीम थी वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि जो SDG है उसको प्राप्त करना। अगला है कि 22 से 23 फरवरी 2020 के मध्य 20 देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ध्यान रखिएगा कि 20 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, जैसे अपने यहाँ RBI है, ऐसे जो है प्रत्येक जो है जो 20 देश इसमें G20 के शामिल हुए हैं, उन देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं वहाँ के गवर्नर, उनकी बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये रियाद में हुई है। और 2 से 8 मार्च 2020 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत में पहली बार इस कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा सन 1964। और अगला सवाल है कि 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर होगा गुजरात के गांधीनगर, यानी कि 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, वो गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट है कि 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित हुए 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है, तो इस बार जो है वो बेंगलुरु में हुआ है। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है उसका थीम क्या था, उसका मुख्य विषय क्या था? तो विषय था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यानी कि ग्रामीण विकास में किस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपनी भूमिका निभा सकता है। इस विषय पर 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया।
14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कानपुर में बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और अगला है कि 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो कि तिरुवनंतपुरम केरल के तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई, इस कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नव परिवर्तन। अगला है कि 22 दिसंबर 2019 को 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक तेहरान में संपन्न हुई। देखिए पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई, तो ध्यान रखिएगा ईरान में संपन्न हुई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। और अगला है कि 16 से 19 नवंबर 2019 के मध्य आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 6वीं बैठक यानी कि 6th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग पल्स 2019 कहाँ संपन्न हुई, तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई है। अगला है कि 15 से 19 नवंबर 2019 के मध्य 6ठा जनजातीय संवाद सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ, तो ये झारखंड जमशेदपुर में संपन्न हुआ है। और वहीं पर नेक्स्ट है कि 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 दिल्ली के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस वर्ष मेले के भागीदार एवं फोकस देश कौन थे, तो भागीदार थे या अफगानिस्तान भागीदार कंट्री और फोकस देश थे दक्षिण कोरिया। तो फोकस में का से आप मिलान कर सकते हैं कोरिया को, दक्षिण कोरिया को, और भागीदार में आप गा से मिलान कर सकते हैं, किसको गा से मिलान कर सकते हैं, अफगानिस्तान को याद करने के लिए, बस वैसे ही थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अगला है कि 7 से 8 नवंबर 2019 के मध्य पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ, तो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। और अगला है कि 25 से 26 अक्टूबर 2019 के मध्य जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रीय स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई। देखिए बेसिक में ध्यान दीजिएगा कि बेसिक में बी फॉर ब्राज़ील है और यस ए दोनों को मिला करके साउथ अफ्रीका है, प्लस आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, ठीक है। तो बेसिक में ये चार कंट्रीज शामिल हैं जिसमें से ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है। इसकी बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी, तो इसकी बैठक संपन्न हुई थी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और यहाँ पर देखिए बीजिंग दे रखा है, बीजिंग नहीं है, रियो डी जेनेरियो नहीं है, तो ये संपन्न हुई थी एनडी यानी कि नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है कि 16 से 19 अक्टूबर 2019 के मध्य सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ, तो सिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप समिट 2019 कहाँ संपन्न हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप समिट कहाँ संपन्न हुआ, नई दिल्ली में, यानी कि स्टार्टअप समिट किसकी पहल है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला है कि 21 से 23 नवंबर 2019 के मध्य प्रथम ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में ही संपन्न हुआ है।